हाजीपुर में इन दिनों लगातार दो दिनों से रेड चल रहा है। सदर SDPO राघव दयाल और SDM के नेतृत्व में हर होटलों में छानबीन की जा रही है। छानबीन के दौरान सेक्स रैकेट का भी खुलासा किया जा रहा है। सदर SDPO राघव दयाल ने बताया कि अग्निवीर को लेकर जिस तरह से शहर में माहौल बना हुआ है, उसको लेकर होटल में छापेमारी कर जो भी संदिग्ध रूप से लोग पाए जा रहे हैं उसकी पूछताछ के लिए थाने लगकर उसे पूछताछ की जा रही है और जो भी संदिग्ध लोग हो रहे हैं उसे हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से होटलों में रेड हो रहा है उस तरह से अपराधियों का भी मनोबल गिरेगा और जो शहर का माहौल है उस माहौल को भी बदलने की पुलिस की पूरी कोशिश की जा रही है। शहर में आए दिन घटनाएं को देखते हुए पुलिस की ये कार्रवाई कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल को तोड़ने में काफ़ी कारगर होगी। इस रेड में पुलिस के साथ साथ SSP के जवान भी शामिल हैं। सदर SDPO राघव दयाल ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं इस पूरे रेड के बारे में। अभी जो माहौल बना हुआ है क्षेत्रों में देख रहे हैं अग्निपथ को लेकर और जो भी घटनात्मक कार्यक्रम जो चल रही है और उसी के मद्देनजर ये रूटीन चेकिंग चल रहा है होटल वगैरह का। इसमें जो संदिग्ध लग रहे हैं उनको मैं अपने थाना पर ले जाऊंगा, उनका सत्यापन कराऊंगा। अगर उनका एड्रेस वगैरह सत्यापन हो जाता है और आदमी का सत्यापन हो जाने के बाद उनका चरित्र अच्छा रहता है तो फिर वो ना उनको मुक्त कर दिया जाएगा। कितने होटल में छापा मारी हुआ? अभी तक सब लोग चेक करें, 4-5 होटल का चेक किया गया, अभी जांच किया गया और होटलों का जांच किया जाएगा। कुछ को हिरासत में लिया गया? हिरासत में नहीं लिया गया है, जो संदिग्ध लगा उनको पूछताछ के लिए थाना पर ले जाया जाएगा।